ओम शांति 4 जुलाई 2023 साकार मुरली मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने प्रश्न 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है प्रजा में कौन जाते हैं उत्तर जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है और जो सौतेले है बलिहार नहीं जाते है वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं तुम श्रीमद पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो यहाँ हथियार आदि की तो बात नहीं तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ओम शांति देखो क्या कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाला तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए है भक्तों का रखवाला रक्षा किसकी होती है जो आफत में फंसा हुआ है इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है मेहनत तो करते हैं ना? कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्राप्त मिलती है अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब है आसुरी संप्रदाय वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं जिसमानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं बेहद की नॉलेज तो कोई दे ना सके भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे प्राप्त तो कुछ नहीं बनी गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं शास्त्र सुनाते हैं परंतु वह भी अल्पकाल का सुख मिला प्रलप तो कुछ बनी नहीं फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े ये भोलानाथ है सदगुरु सदगुरु हमेशा सत्य ही बोलता है वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं यह है, है सदगुरु की मत जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है ये है नर को नारायण बनाने की मत भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं और कोई मुक्तिधाम जीवन मुक्तिधाम अर्थात स्वर्ग को जानते ही नहीं मुक्तिधाम का मालिक है परमपिता परमात्मा जो परमधाम में रहने वाला है अब बच्चों को मत मिलती है बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप टीचर और गुरु है श्री कृष्ण को बाप टीचर सदगुरु कोई नहीं कहेंगे अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए ना गुरु शुरू हुए है द्वापर से सत्युक्त त्रेता में गुरु होते नहीं माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया फिर वहां गुरु की दरकार ही नहीं अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि पांच विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो हम जानते हैं ये श्री कृष्ण मायाजीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना है तुम बच्चियाँ जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर है माया जीत जगत जीत बनना है जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी तो वह सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे जो माया पर जीत पाते होंगे पांच हजार वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे वैसे अब ये भी युद्ध के मैदान में है तुम भी युद्ध के मैदान में हो पांच विकारों पर जीत पाकर तुमको यह बनना है इसको कहा जाता है नारायणी नशा माया जीत जगत जीत बनना है कितनी सहज बात है सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी सब माताएं द्रौपदियां हैं सबको सतयुग में बाबा कहते हैं सब माताएं भी द्रौपद दिया है और अभी बाबा सभी को सतयुग में निर्वस्त्र होने से बचाते हैं वहां कोई विकार में नहीं जाते कहेंगे भला तब बच्चे कैसे होंगे अरे वह तो पवित्र दुनिया है तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या दुनिया तो बढ़ती रहती है सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है विकारों का सन्यास तो अच्छा है ना सन्यास करने वाले को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं उस सच्चे सदगुरु द्वारा ये माथाएं गुरु बनती है जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है बने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है ना हमें श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए उनकी सारी राजधानी है प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना अभी तो न राजा महाराजा कहला सकते न प्रिंस प्रिंसेस अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती है देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे नई दुनिया भी बन रही है तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो एक तो है विकारों का बंधन दूसरा फिर है कर्म बंधन उनसे छूटने लिए श्रीमत पर चलना पड़े बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है न कोई ज्योति ज्योत समाया है न समानी ही है आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए न आत्मा तो अविनाशी है शरीर को विनाशी कहा जाता है आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा आत्मा पवित्र हो जाएगी फिर ये शरीर खलास हो जाएगा फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे ये शरीर पूजन लायक नहीं बनते पूज्य तो सिर्फ देवता ही हैं। उन पर फूल चढ़ा सकते हैं उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ कहा जाता है श्री श्री दो बार क्यों कहते हैं क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है ऊंचते ऊंच उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है उन्हों को सोलह कला संपूर्ण कहेंगे चंद्रवंशी है चौदह कला तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है इसलिए श्री दो बार श्री श्री लक्ष्मी श्री श्री नारायण वह है महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी नंबर वार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं बड़े को महाराजा कहा जाता है राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे महाराजा पहले है राजा पीछे है तो अब श्रीमद पर चलना है श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना? जगत का मालिक भी वह है टीचर भी वह है तो गुरु भी वह है ऐसे बाबा को याद करना पड़े कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे तोते का मिसाल है अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ तुम सिर्फ उंगली पकड़ो वह जो कहे सो करो पवित्र तो जरूर बनना पड़े इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है रहना भल यहाँ है परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगाना है इसको कहा जाता है शांति धाम सुख धाम को याद करना नष्ट मोहा भी बनना है वह है पतियों का पति बापों का बाप गुरुओं का गुरु तो ऐसा अर्थात श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़े ना कहे हाँ जी बाबा कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सत्युग की राजधानी स्थापन हुई थी फिर हो रही है इसमें पवित्र रहना है पति जो सेवा कहे वह तुम करो बाकी सिर्फ पवित्र रहना है पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं पतितों को पावन करने वाला भी वह है जगत का मालिक भी वह है अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवताओं देवता बनाओ ये तो नॉलेज है न मनुष्य से देवता बनने की यही नॉलेज है यही तो डिफरेंस है इस नॉलेज में और उस नॉलेज में बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है और कोई को ये नॉलेज नहीं सब दर दर धक्के खाते रहते हैं यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो ज्ञान अमृत मुख में हो शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले फिर अंतमती सो गति हो जाएगी नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे न मोह जीत बनेंगे मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे सब भक्त है न माया के बंधन में फंसे हुए है रखवाला है भोलानाथ शिव रक्षा करने आए हैं, तो उनकी राय पर चलना है श्री कृष्ण के कुल में जाना है श्री कृष्ण है फुल पास संपूर्ण चंद्रमा जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वो अपना राज्य ले लेते हैं तो नापास क्यों होना चाहिए फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो डरने का तो काम नहीं निर्भय निर्वैर बनना है समझाना तो पड़ेगा न जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है उन्होंने ही भारत को ऐसा दूरदर्शन में लाया है भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है अब कुछ समझो बहुत बड़ी लॉटरी है घोड़े दौड़ है हमको दौड़ना है बुद्धि योग से जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे विकर्म विनाश होंगे बाबा ने बार बार समझाया है हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे हु? तो बाबा कहते हैं मनुष्य पूछेंगे कि हथियार कहाँ है जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे बाबा ने एक्ट करके दिखाई तो हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं ये निश्चय है ना हम निष्ठा में बैठे हैं अर्थात शिव बाबा की याद में हैं बुद्धि वहां लटकी हुई है पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है कन्या भी पति को याद करती है ना? वह तो है देहधारी परमात्मा तो अशरीरी है उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है न? हम अपने स्वधर्म मिट्टी के हैं अभी और फिर स्वर्गधाम तो जरूर पधारेंगे सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतु होगा फिर हम राज्य करेंगे अभी हम युद्ध के मैदान में हैं फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे वी आर एट वॉर हम सब लड़ाई के मैदान पर है यह है सारी योगबल की बात इनमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है फिर ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा वरदान मिल जाएगा भव, भव, पुत्रवान भव, वहां धन आदि सब अकिचार रहता है पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है वहां मुख का प्यार होता है विकार की बात ही नहीं वह है ही निर्विकारी दुनिया श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है अब ऐसा बनना है तुमको तो पटरानी बनना है मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी उनको भगवान थोड़े मिला वो तो है ही भक्ति मार्ग मीरा भी अभी कहाँ न कहा है उसने भी ज्ञान लिया होगा अगर पक्की भक्ति होगी हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना बुद्धि से समझना है शिव बाबा मैं आपकी हूं आपसे पूरा वर्षा लूंगी मैं आप पर बलिहार जाती हूं तो बाबा भी इक्कीस बार बलिहार जाएंगे अगर बलिहार नहीं जाएंगे सौतेले बनेंगे तो इक्कीस बार प्रजा में आएंगे बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे दूसरे को क्या करेंगे अच्छा मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकरदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है हार नहीं खानी है दूसरी पॉइंट श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है अशरीरी बनने का अभ्यास करना है बुद्धियोग की दौड़ी लगानी है आज का मीठा वरदान चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। आज का सुमान है संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के खुशी के ज्ञान के आनंद के झूले में झूलना सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे जैसे स्थूलधन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वह चमक थी या तो अविनाशी प्राप्ति है तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे डबल अंडरलाइन स्लोगन नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे अच्छा कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो सत्य बोलो सोच समझकर बोलो निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी ओम शांति